हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने छोड़ा था पिछले सेशन में। तो पिछले सेशन में हम लोग कर रहे थे रूबीम की डिटेलिंग, जो कि है एक मिल्क फैक्ट्री के प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिटेलिंग के वीडियो थे, जैसे कि प्लिंथ बीम की डिटेलिंग हुई और रूबीम का जो फर्स्ट पार्ट है, वो सब हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको सेम प्लेलिस्ट में वो सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा हो जिससे ये डिटेलिंग फील्ड में जाना हो तो उसे ये वीडियो जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अब चलते हैं अपने ऑटोकैड के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है एंड क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हमारा बीम जो है वो डिज़ाइन होके आ चुका है, और लास्ट वीडियो में मैंने इसमें जो जो करेक्शन चाहिए थे वो सब कुछ कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने प्लिंथ बीम की डिटेल्स को यहाँ पे कॉपी किया था, और ये जो प्लिंथ बीम की डिटेल है इसको हम लोगों को एडिट करके बना देना था रूप बीम में। ओके, तो इसके बस पेज के नेम्स जो हैं वो मैंने अभी तक चेंज नहीं किए हैं, तो वो मैं कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे वर्टिकल एक्सिस के हैं। ओके, ये जो डिटेल्स है वो वर्टिकल एक्सिस के हैं, जो फर्स्ट टू पेजेस थे वो हमारे हॉरिजेंटल एक्सिस के थे, और हॉरिजेंटल एक्सिस में जो हमारे पास क्या था, बीम B1 था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि उसको हम लोगों ने ऑलरेडी एडिट कर लिया। आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ जहाँ B1 है वो सब कुछ चेंज हो चुका है, और जो हमारा बाकी का बीम है वो सब अभी प्लिंथ बीम के नाम से है। तो उसमें जो डिटेल्स है वो अभी तक एडिट नहीं हुई है, जो कि होगी आज के ही सेशन में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल बीम से स्टार्ट करेंगे। हॉरिजेंटल बीम में आपको देखने को मिल रहा है कि जो एक्सिस 2 है उसमें हमारे पास बीम है B3, और B3 की जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं कि 300 बाई 600 इसका साइज है। उसके बाद जो टॉप में रेनफोर्समेंट है वो 325 का है, बॉटम में रेनफोर्समेंट 320 का है, और टॉप एक्स्ट्रा 325 का है और दोनों ही एंड्स में, एंड बॉटम में 316 का है। तो चलिए इन्हीं डिटेल्स को फॉलो करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं और बनाते हैं B3 की डिटेलिंग को। तो सबसे पहले चलेंगे एक्सिस 3 में, एक्सिस 2 में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्सिस नंबर 2, उसमें हम लोग B3 की प्रॉपर्टी को चेंज कर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है B3 में सबसे पहले क्या चेंज करना है, इसका साइज जो कि है 300 बाई 600 का। ओके, देन इसके बाद जो इसका टॉप रेनफोर्समेंट है वो कितने का था, टॉप रेनफोर्समेंट जो ऑल थ्रू है वो हमारे पास 325 का है, जो कि यहाँ पे भी है, तो उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंड जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो हमारे पास 320 का है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल थ्रू जो बार है उसमें बॉटम रेनफोर्समेंट 320 का चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो B3 की प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट में, 325 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में 325 कर देंगे, और जो बॉटम का एक्स्ट्रा है वो हमारे पास 316 का है, तो 316 के जगह पे अगर 220 रहता तो चलता है, लेकिन यहाँ पे 225 है तो नहीं चलेगा, तो हम लोग इसको 316 ही चेंज कर देते हैं। ओके, उसके बाद बाकी कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ST1 और ST2 वो सब वेल डिफाइंड यहाँ पे पहले से ही है। नेक्स्ट आते हैं कि B3 और कहाँ अवेलेबल है। तो B3 को मैं हॉरिजेंटली चेक कर रहा हूँ, तो हॉरिजेंटल बीम्स में हमारे पास B3 और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सिस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक्सिस जो है वो है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस 8, जिसमें प्रॉपर्टी है B2 की। ओके, उससे पहले हम लोग B3 को वर्टिकल एक्सिस में भी चेक कर लेते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस में जो एक्सिस ए है वहां पे हमारे पास B3 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B3 जो है वो अवेलेबल है, यानी 15 से 10 के बीच में जो ग्रिड्स हैं, और वर्टिकल एक्सिस ए अगर आप इस ग्रिड लाइन को देखोगे तो यहाँ पे B3 अवेलेबल है, तो हम लोग को ए के पास जाना है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को B3 के बेसिस पे चेंज कर देंगे। तो अगेन हमारे पास B3 की प्रॉपर्टी क्या थी, B3 की प्रॉपर्टी थी कि सबसे पहले तो इसका साइज जो कि है 300 बाई 600 का, उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है B3 में वो है 325 का, तो
तो हम लोग इसको चेंज करके 325 कर देते हैं। जो मेन रेनफोर्समेंट है टॉप में वो है हमारे पास 325 का, तो इससे भी चेंज करके 325 कर देते हैं। बॉटम में जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है वो हमारे पास है 316 का, तो इसे 225 से चेंज करके 316 कर देंगे। और जो टॉप बॉटम में लाइक ऑल थ्रू बार है वो हमारे पास है 320 का, तो इसे हम लोग 320 बना देंगे। ओके, तो ये भी सॉर्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास B3 है वर्टिकल में, एक जगह पे और है, वो कहाँ पे है, ये है हमारा एक्सिस नंबर J पे। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो मैं आराम से चेक कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये एक्सिस जो है, जो कि हमारा कौन सा एक्सिस हो जा रहा है, के, तो एक्सिस के पे हमारे पास B3 अवेलेबल है। ओके, तो चलिए एस्केप करके एक्सिस के पे चलते हैं। ये है हमारे पास एक्सिस के, तो के में हमें B3 की प्रॉपर्टी को असाइन करना है, तो इसे बना देते हैं पहले तो B3, उसके बाद प्रॉपर्टी को चेंज करके कर लेते हैं इसको 600। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो टॉप रेनफोर्समेंट है एक्स्ट्रा में, टॉप एक्स्ट्रा कितना था हमारे पास, 325 का था, तो इसको बना देते हैं 325। टॉप में जो मेन बार है वो भी 325 का है जो ऑल थ्रू जाएगा। बॉटम में जो एक्स्ट्रा बार है वो हमारे पास 316 का है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बार है जो मेन बार है बॉटम का वो हमारे पास 320 का है। तो मैं इतने आराम से इसलिए कर पा रहा हूँ ये सब कुछ, क्योंकि ये जो ग्रिड लाइंस है ना वो सब कुछ PB1 से इंपोर्ट की हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स पे कहीं कहीं आपको ध्यान देना होगा, जहाँ पे कॉलम्स है उसमें तो कोई नेम का चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी कहीं कहीं पे हम लोग को नेमिंग में चेंज देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे PB1 दिख रहा है, ओके, PB1 PB3 ये सब सपोर्ट्स में दिख रहा है, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये के है, ठीक है, तो एक्सिस के पे जहाँ पे B3 है वहाँ पे सपोर्ट में पहला B1 है, दूसरा सपोर्ट B2 का है, फिर C2 C1 और लास्ट सपोर्ट B4 का है, तो ये सब भी हम लोग को लगे हाथ चेंज ही कर देना है, अदरवाइज हम लोग के लिए फिर वो दोबारा से रीचेकिंग का प्रोसेस होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं प्रिंटआउट की हेल्प से यहाँ से देख के चेंज कर लेता हूँ। मैंने आपको शो तो कर ही दिया है, पहला हमारे पास क्या था, B1 था, दूसरा हमारे पास क्या था, B3, और जो लास्ट है वो हमारे पास है B4, ठीक है, तो इसकी एक्सिस को भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद और कहीं B3 है, जी हाँ, B3 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे अभी PB4 है, तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉलम के बाद वो चेंज हो गया है, ठीक है, जैसे कि एक्सिस नेम J जो है उसमें हमारे पास B3 की प्रॉपर्टी है B3, ये हो जाएगा 300/600 का, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, इस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, जैसे कि इसका जो सपोर्ट है वो B4 हो जाएगा, उसके बाद तो सारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे एक बीम है, ये जो बीम है वो एक्चुअली B3 हो जाएगा। अब ये सब मैं कहाँ से देख के कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे जो डिजाइन में है वहाँ पे देखिए एक्सिस नंबर J, और यहाँ पे आप देखोगे कि B3 स्टार्ट हुआ है, ओके, J में बीम जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला सपोर्ट B4 था,
फिर उसके बाद कॉलम सपोर्ट्स थे, और उसके बाद यहाँ पे आके B3 मिल गया है। इसमें एक और चीज़ बात है कि 1, 2, 3, 4 फोर्थ सपोर्ट जो है वो C2 है, ठीक है। तो ये जो C2 है वहाँ से फिर B5 स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हमें इंटरसेक्शंस बनाने होंगे। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी सीख लीजिए। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी, और ख़ासकर मेरे वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करें तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें चीज़ें और भी डिटेल में सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज फिर तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ही, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो है ये हम लोगों ने देखा अभी कि ये B5 था। B5 का जो प्रॉपर्टी है 350/700 का है, ओके। वो मैं अभी आपको प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, मेरे पास प्रिंट आउट है इसलिए मैं आराम से ये सब बोल पा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे पहला जो एक्सिस में था कि B4 से स्टार्ट होता है, फिर C5 आता है, उसके बाद C3 आता है, फिर C2 आता है, और वहां से फिर लाइक एक नया स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी रेनफोर्समेंट में हैं, तो यहाँ से मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। आई गेस एक लाइन यहां से हो जाएगी जो इधर से आके इधर खत्म होगा, एक लाइन, उसके बाद टॉप की एक लाइन हो जाएगी। सपोज इसका टॉप रेनफोर्समेंट यहीं पे खत्म हो रहा है, और ऐसा ही डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो बॉटम है उसे भी इस तरीके से शो कर देते हैं। अभी ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। सपोज मैंने बॉटम रेनफोर्समेंट को यहीं पे खत्म कर दिया, देन मेरा जो टॉप का रेनफोर्समेंट है एक्स्ट्रा, उसको मैं यहाँ पे फिनिश कर लूंगा, और मेन रेनफोर्समेंट इस तरीके से फिनिश कर दिया है मैंने, ओके। तो हम लोग को बस ये शो करना है कि यहाँ से एक डिफरेंट बीम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। अभी चाहे तो इसे इलोंगेट करके यहाँ तक ले जा सकते हैं। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल बात होती है तो ये इलोंगेट होके जाता ही, डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग को फॉलो करवाना होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा B5 के लिए। अभी जो है ट्रिम कमांड से इसको भी ट्रिम कर लीजिए, कॉपी और फिर ट्रिम, सो डैट ये दोनों के अलग अलग हो जाए। देन अगेन ये प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हमें डिफाइन करनी होगी। तो सबसे पहले B3 के प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे बाकी पे, ओके। कॉपी देखिए B3 की प्रॉपर्टी क्या है,
कि हमारा ऑल थ्रू बार कितना होना चाहिए, V3 में टॉप में ऑल थ्रू बार होना चाहिए 325, तो इसे कर देते हैं 325, बॉटम में 320, तो इसे बना देते हैं 320। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा में 325, तो पहले टॉप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर, फिर ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर लेंगे, तो स्पेस बन जाएगा। और अब इसको अच्छे से प्लेस कर देते हैं। देखिए अभी अपने को कितना चाहिए था, B3 में जो टॉप एक्स्ट्रा है वो 325 होता है, तो 325 कर दिया, और बॉटम एक्स्ट्रा 316 है, तो B3 की प्रॉपर्टी तो क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। अब उसमें ये फाइनल हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे लगे हाथ B5 का भी प्रॉपर्टी असाइन कर दीजिए। B5 की प्रॉपर्टी मैं शो कर देता हूँ आपको। पहले देखिए B5 की जो प्रॉपर्टी है वो कितना है, 350/700, 220 टॉप, 225 बॉटम। टॉप में कितना एक्स्ट्रा, 220, और बॉटम में कितना एक्स्ट्रा, 225। ओके अभी आ जाते हैं, कौन सा एक्सिस था हमारा, एक्सिस जी। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास B5 में है कि 220 टॉप में ऑल थ्रू था, और एक्स्ट्रा भी 220। उसके बाद बॉटम में 225 जो हमारे पास ऑलरेडी है, और बॉटम का जो एक्स्ट्रा है वो भी 225, ठीक है, तो यहाँ भी ऑलरेडी है, तो B5 शॉर्ट हो गया, उसमें आप कोई चेंज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं और देखते हैं कि कहीं और भी B3 है क्या, तो B3 हो गया, B3 दोनों जगह तीन एक्सिस में और हॉरिजेंटल में भी हो गया, और एक सॉरी तीन वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, और कहीं तो B3 अवेलेबल नहीं। ओके सपोर्ट्स चेक कर लेते हैं, सपोर्ट्स सारे के सारे रीनेम हो चुके हैं। ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जहाँ से चेंज करते जाएंगे लगे हाथ तो उसका सपोर्ट चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे B1 में भी सपोर्ट चेंज करना चाहिए था हमें, ये कौन सा एक्सिस है, एम एक्सिस, एम ये स्टार्ट होता है हमारे पास ग्रिड लाइन नंबर 9 से, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 पे इसका जो सपोर्ट है वो है B1 सॉरी B4, B4 जो आपका सपोर्ट यहाँ के लिए भी है, मतलब ये सारे के सारे B4 ही होंगे अगर बीच में प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो B2 है, फिर नेक्स्ट B1 है, नेक्स्ट फिर C1 C3 है, उसके बाद B1 है, उसके बाद सारे कॉलम्स हैं C1 C4 और C1। ओके ये B1 तो क्लियर हो गया, यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स थे, यहाँ पे कुछ बीम्स हैं। ओके तो लास्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं, जो ये है ये B4 का है, ये सपोर्ट तो ऑब्वियस है कि B4 का ही है, क्योंकि आप देखोगे कि एक सिंगल एक्सिस में मोस्टली सेम ही रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास B2 है,
उसके बाद बी वन है, और फिर से बी वन है। उसके बाद सी टू है, सी टू सी थ्री, सी टू सी टू सी थ्री सी थ्री, ओके डेट इज गुड। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और कहीं पे चेंज हुआ है? इसमें सपोर्ट्स चेंज हो गए हैं, यहाँ पे अभी पी वी फोर ही है, यानी कि यहाँ सपोर्ट्स अभी चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ पे सारे सपोर्ट्स कॉलम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको चेक करना चाहिए। उसके बाद एक्सिस ए, जो पहला सपोर्ट है वो हमारे पास बीम का है, और ये जो सपोर्ट है वो है बी थ्री। तो डिटेलिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। और आ जाते हैं एक्सिस नंबर 15 पे। तो 15 में हमारे पास जो पहला सपोर्ट है वो है बी थ्री का, देन आ जाता है हमारे पास बी फाइव, देन आ जाता है बी फाइव, देन बी फाइव, और उसके बाद बी वन। उसके बाद बी थ्री एंड देन बी फाइव। लेट मी काउंट, बी थ्री बी फाइव बी फाइव बी फाइव बी फाइव बी फाइव बी फाइव, फिर बी वन, फिर यहाँ पे होना चाहिए बी थ्री बी थ्री। उसके बाद सी सिक्स एंड सी टू, ओके। तो इस तरीके से इसका भी जो नीड था वो फाइनल हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जो जो चेंजेज हैं, जो सपोर्ट्स के चेंजेज हैं, वो मैं क्विकली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको आगे कंटिन्यू करूँगा सेशन को। अच्छा, एक्सिस नंबर 14 में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ तक बी वन था, सी थ्री और सी वन के बीच में हमारे पास बी टू है, ओके। तो वो हम लोग को प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करनी है, ओके। सो चेंज करने का मेथड सेम ही है। अभी जो है हम लोग टाइम सेव करने के लिए ग्रैब भी कर सकते थे, वैसे ड्रॉ भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिकली बात यह है कि सी थ्री और सी वन के बीच में एक्सिस नंबर 14 पे हम लोग को एक अलग बीम चाहिए होता है। तो कॉपी करके इसको पहले यहाँ प्लेस कर देते हैं, ओके। और ये बीम जो है वो हमारे पास बी टू का होगा। तो प्रॉपर्टी जैसे चेंज होनी है, आप जितना भी सीख चुके हो वही सब कुछ
मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को पॉज करके ये सब चेंज करके आपके पास फिर से वापस आता हूँ।
सो गाइस हम लोग का जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है रूबीम का। और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।